बीते रोज बरुआ सागर के झरना स्वर्ग आश्रम पर घूमने गए प्रेमी युगल को अकेला पाकर चाकू की नोट पर उनसे लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही बदमाशों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। सावधान, अब अपनी प्रेमिका को लेकर सुनसान जगह पर जाने से पहले सोच लें, क्योंकि हो सकता है ऐसे स्थानों पर घात जिहा लगाकर बैठे बदमाशों की लूट का आप शिकार हो जाएं। कुछ यही हुआ था बीते रोज बरुआ सागर में, जहां तीन बदमाशों ने एक प्रेमी जोड़े को अकेला पाकर उनके साथ चाकू की नोक पर लूट कर ली थी। वही झांसी के रहने वाले प्रेमी जोड़े ने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों के नाम भूपेंद्र वंशकार, महेंद्र कुशवाहा व अखिलेश उर्फ अक्कू है। पुलिस ने बदमाशों के पास से लूटी गई नगदी, सोने की चैन, महिला बैग व अन्य सामान बरामद कर लिया है। यह आरोपी प्रेमी जोड़ों को अपना शिकार बनाते थे, क्योंकि छुपकर मिलने आए प्रेमी बदनामी के डर से अपनी शिकायत दर्ज तक नहीं करा पाते। लेकिन जब पुलिस से शिकायत की गई तो बरुआ सागर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही तीनों आरोपियों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। 20 तारीख की घटना है, झरना तालाब पर योगराज सिंह और उसकी महिला मित्र घूमने आए थे, जिनके साथ तीन अपाचे सवार अज्ञात अभियुक्तों ने चाकू दिखा कर उनसे उनका बैग, ATM कार्ड, सोने की चेन, 5,000 रुपये, 2 मोबाइल फोन छीन लिए। उस घटना पर थाने पर FIR पंजीकृत किया गया और मुजरिमों की तलाश में प्रभारी निरीक्षक लगी रही। 22/4/2021 को तीन लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने एक व्यक्ति को बरुआ सागर किले पर उनके साथ लूट की घटना कारित की थी। उनकी फ्रेंड भी साथ में थी, उसकी चेन छीन ली गई थी और 2 मोबाइल फोन छीन लिए गए थे। अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग पंजीकृत करके तीनों अभियुक्तों को पूरे माल मसरूका सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। मोबाइल भी बरामद हो गए, चेन भी बरामद हो गई है और उन्होंने जिस तमंचे से धमकी देने का कार्य किया था वो तमंचा और कारतूस भी बरामद हो गए हैं। इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। 2 व्यक्ति बरुआ सागर के रहने वाले हैं और 1 व्यक्ति टीकमगढ़ जनपद का रहने वाला है। इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। बरुआ सागर से आनंद मोदी की रिपोर्ट।